महाराज की जय। यह सर्वविदित है कि हम लोग जहां उपस्थित हैं, जहां सत्संग का आयोजन किया गया है, यहां के पदाधिकारियों ने जिला अधिवेशन का जो वार्षिक सत्संग है 29वां है, 28 बार हो चुका है और 29वां है। तो 29 हम कैसे लिखते हैं, पहले 2 लिखते हैं और बाद में 2 लिखते हैं, ये 2 क्या बताता है? संसार में 2 बात है, सगुण बात और निर्गुण बात। तो सगुण और निर्गुण के परे चले जाए, हमारे गुरुदेव कहते हैं सगुण सगुण निर्गुण सगुण के पार में, कहते हैं तो 2 के पार हो जाए, सगुण और निर्गुण के पार चले जाए, अथवा 9 क्या बताता है? हमारे शरीर में 9 दरवाजा है, 2 आंख का दरवाजा, 2 कान का दरवाजा, 2 नाक का दरवाजा, मुख को डाले है, तो 9 हो गए, तो 9 के पार में चले जाए। गुरु नानक साहब कहते हैं, नौदर धावे थाकत रहाए, दसवां निज घर बासा पाए। 9 दरवाजे में दुख है, 9 दरवाजे में क्या है? दुख है। हमारे भारतीय संतरी जी महाराज कहते थे, नौगछिया है, 9 दरवाजा में रहता है और नौगछिया में रहता है, उसका दुख में रहता है, उसके जीवन में कभी शांति सुख नहीं मिलता है, वो संसार के भोगों में सदा लगा रहता है। जो जितना भोगी होता है उतना रोगी बन जाता है, और जो जितना त्यागी होता है योगी होता है उतना सुखी होता है।
जो आदमी बहुत भोगी है वो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, वो कुरूप हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति योगी है, भजन ध्यान करता है, सत्संग करता है, अमृत गुरुदेव कहते हैं सुखमन के जीना नाल से अमृत की धारा बह रही, अमीर सूरत धार घर घाटा से सिवा चल रही। हमारे शरीर में अमृत भी है। हमारे पूज्य स्वामी सत्य प्रकाश जी महाराज जी बड़े विद्वान महात्मा, इनके मुखारविंद से बहुत अच्छी अच्छी बात सुन रहे, और इनके पुरुष भी हमारे गुरु भाइयों ने स्वामी शकलानंद जी महाराज, स्वामी संजीवानंद जी महाराज, स्वामी नरेंद्र जी महाराज के मुखारविंद से जो मैं सत्संग सुन रहा था बड़ा आनंदित हो रहा था। लोग कहते हैं गंगा जी हिमालय से निकली है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा था कि ज्ञान गंगा अभी अभी हमारे गुरु भाइयों के मुखारविंद से निकल रही थी। आनंददार सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग ही सच्चा सौदा है, सच्चा व्यापार है। देखिए मानव का जो शरीर मिला है परमात्मा की असीम दया है, और मानव का शरीर अनमोल है, और इस अनमोल शरीर पाकर के अनमोल कार्य भी करना चाहिए। तो अनमोल कार्य क्या है? ये सत्संग है अनमोल कार्य। और मानव का शरीर मिला हुआ है, सोने के बर्तन में कहते हैं शेरनी का दूध अटता है। ये मनुष्य का शरीर सोने का शरीर है, और सत्संग अगर इसमें रखते हैं, मानव जीवन पाकर सत्संग करते हैं तो बड़ा उत्तम कार्य करते हैं। हमारे गुरु महाराज बहुत से नहीं परमल जी महाराज करते थे, दुनिया में सबसे बड़ा आदमी कौन है जो बहुत बड़ा मकान बना लिया है, जो बहुत कूड़ा कबाड़ा जमा कर लिया है, जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन गया है? नहीं नहीं, वो दुनिया का सबसे छोटा आदमी है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा आदमी वो है जो सत्संग करता है, ध्यान करता है, सदाचरण का पालन करता है, सदाचार है, सदाचारी है, सुचाचारी है, वो दुनिया में सबसे बड़ा आदमी। अभी दिल्ली में मैं परमानंद गुरुदेव महर्षि वही बनमन जी महाराज की जयंती मनाने गया था। देखिए सदाचार की बात करता हूँ, दीक्षा लेने के लिए बहुत लोग आए थे ना, एक पति पत्नी भी थे, बहुत लोग आए थे। तो जब दीक्षा लेने की बात आई तो सब लोग फूल माला ले जाते हैं, प्रसाद ले जाते हैं। एक भाई साहब फूल माला नहीं लाए थे, एक माता जी थी उनके पास दो फूल माला थी। तो माता जी मैंने पूछा उनसे आपके पास माला नहीं है? उन्होंने कहा नहीं स्वामी जी हमारे पास माला नहीं है, मैं नहीं लाया। तो बहन जी बोलती है हमारे पास दो माला है। वो माता जी डायरेक्ट भी उस भाई के हाथ में माला दे सकती थी, लेकिन डायरेक्ट माला नहीं दी। वो माता जी क्या करती है, माता जी क्या करती है, अपने पतिदेव के हाथ में माला दिया, और उनके पतिदेव ने वो भाई साहब के हाथ में माला दे दिया। वो सावित्री से कम होगी क्या? सदाचार और सुचाचार ये संतमत का ज्ञान है। जब तक सदाचारी नहीं बनेंगे, सुचाचारी नहीं बनेंगे, तब तक भजन हम क्या कर सकते हैं? भजन नहीं होगा। इसलिए लोग बोलते हैं भजन नहीं होता है। ये मानव का शरीर मिला है। अभी हमारे पूज्य स्वामी सत्य प्रकाश जी महाराज बुद्धि योग बतला रहे थे, आप लोग को समझा रहे थे, बहुत बढ़िया ढंग से। बुद्धि योग क्या है? बुद्धि योग सत्संग को कहते हैं। देखिए दशानन रावण था, वो कितना ज्ञानी था, चारों वेदों का ज्ञाता था, और भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त भी था। एक मंत्र बोलता था जटा कटा हस्रम भ्रम भ्रमंति लिंफ निर्झरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत 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 ज्वलन ललाट पट पाव के किशोर चंद्र से करे रति प्रति क्षण मम धड़ा। गर्दन काट करके शिवलिंग पर अर्पण कर देता था। भगवान शंकर का कितना बड़ा भक्त था, बड़ा ज्ञानी भी था, चारों वेद उलट लिया था, लेकिन सत्संग नहीं किया था, बुद्धि योग नहीं किया था, इसलिए तो माता जानकी का हरण कर लिया। प्रहलाद जी महाराज के पिता का नाम क्या था?
हिरण्यकशिपु वो भी कितना तप किया, इतना तपस्या किया कि ब्रह्मा जी महाराज को प्रकट कर दिया। अब ब्रह्मा जी महाराज से सब काम ले लिया, न दिन में मरू, न रात में, न घर में मरू, न बाहर। अब उन्हीं की जो धर्मपत्नी थी हिरण्यकशिपु की धर्मपत्नी का नाम क्या था बता सकते? माता कयादु। माता कयादु सत्संग के लिए छटपटाती थी, स्थिति सत्संग के लिए कि हमें सत्संग मिल जाता, हमारे पति देव तो सत्संग करने नहीं देते हैं, शराब पीते हैं, दुराचारी है, दुनिया जैसे आतंकित है, परेशान है। लेकिन वो गए तपस्या करने के लिए और माता कयादु सत्संग में चले जाते थे और सत्संग सुनती थी। सत्संग सुनने का बड़ा फल होता है। माता कहू सत्संग सुनती थी, माँ के गर्भ में जो बच्चा रहता है ना वो भी सत्संग सुनता है। गर्भ में कौन थे प्रहलाद जी महाराज? राक्षस के कुल में प्रहलाद जैसे परम भक्त पैदा हुआ, ये सत्संग का प्रभाव है। वो प्रहलाद जी को खोलने के लिए गुरुकुल में भेजा गया। मास्टर साहब पढ़ाते थे, क्या पढ़ाते थे? बड़ा ज्ञानी था प्रहलाद जी। मास्टर साहब जब पढ़ाते थे तो बोलते थे, बोलो प्रहलाद, बहुत से भालू। प्रहलाद जी महाराज कहते थे, गुरुदेव बहुत से भालू नहीं, बहुत से भगवान। बोला अरे ये तो बड़ा ज्ञानी। फिर मंत्रों से पढ़ाते थे, बोलो प्रहलाद सरस्वती सरसी। तो प्रहलाद जी कहते, नहीं गुरुदेव सरस्वती सरसी नहीं, सरस्वती सत्संग। बड़ा रे छोटा नहीं खोटा, ये तो ऋषि। तो ऐसे प्रहलाद जी महाराज जो 5 साल में ही भगवान का भजन करना शुरू कर दिया, ऐसा ध्रुव जी महाराज माता सुनीति जी का पुत्र हुआ ध्रुव। सुनीति सत्संग करते थे, भजन करती थी, इसलिए संतान भी इतना दिल भी पैदा हुआ। अनेकों उदाहरण। अब देखिए प्रहलाद जी महाराज थे, तो प्रहलाद जी महाराज ने 6 महीना में भगवान विष्णु का दर्शन किया। लेकिन शक्ति लेकर के जब गए ध्रुव जी महाराज, तो ध्रुव का भाई उत्तम था, युद्ध छिड़ गया था मलेच्छु के साथ, यक्षु के साथ घमासान युद्ध हुआ। उस युद्ध में उत्तम मारा गया, बड़ा गुस्सा आया प्रहलाद जी महाराज को, ध्रुव जी महाराज को बड़ा गुस्सा आया। गुस्सा में चले गए, भगवान की शक्ति प्राप्ति थी उन्हें, सारी इंद्रिया सिद्धियां प्राप्त हो गई थी। अब उन शक्तियों के प्रभाव से दुश्मनों को मार डाला, लाखों दुश्मनों को मार डाला, संहार हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया। मनु जी महाराज पहुंचे समझाने के लिए, बोला बेटा देखो वैष्णव लोग हिंसा नहीं करते, वो तो दयालु होते हैं, वो तो जीव पर कृपा करने वाले होते हैं, तो दुनिया को कारक होते हैं। तुमने क्या किया? भगवान की शक्ति प्राप्त किया और उसका दुरुपयोग कर दिया तुमने। तो प्रहलाद ध्रुव जी महाराज भी तपस्या तो किया लेकिन सत्संग नहीं किया। रावण ने भी तपस्या किया, कुंभकर्ण ने भी तपस्या किया, हिरण्यकशिपु ने भी तपस्या किया लेकिन सत्संग नहीं किया। बुद्धि जो एक लोग कहते हैं सत्संग में क्या मिलता है, बाबा तो वही बात करता है, जहां भी जाता है वही बात सुनाता है, कोई विशेष बात तो बाबा बताते नहीं। मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप रोज क्या खाते हैं? चावल दाल रोटी सब्जी फल फूल ये नहीं खाते हैं, दूसरा चीज खाते हैं। तो चावल दाल रोटी सब्जी क्या बेकार है? बेकार नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज है जिसका प्रयोग हर दिन करें वो लाभकारी होगा आपके लिए। एक माता जी सत्संग सुनने के लिए गई, एक स्वामी जी सुना रहे थे सत्संग में, तो सुना रहे थे दिल्ली में कुतुब मीनार है। तो क्या सुन ली? बातचीत ज्यादा करते थे सत्संग में, ये सत्संग चल रहा है बातचीत भी कर रहे खाना खुशी, तो सत्संग बढ़िया से सुन नहीं पाई। स्वामी जी सुना रहे थे दिल्ली में कुतुब मीनार है,
सुनकर के चली गई। तो लोगों ने पूछा कि माता जी आप सत्संग में गई हो, आप बड़ी भागशालिनी हो, बाबा ने क्या सुनाया सत्संग में? तो कहती है बाबा कोई विशेष बात नहीं सुनाए, सामान्य बातें सुनाए। उन्होंने क्या सुनाए माता जी? तो कहते हैं बाबा जी ने सुनाया दिल्ली में कुत्ता बीमार हो गया है। क्या सुनाया? दिल्ली में कुत्ता बीमार हो गया है। और बाबा जी सुना रहे थे दिल्ली में कुत्ता बीमार है। देखिए अगर बुद्धि योग नहीं कीजिएगा तो यही गड़बड़ी होगी, इसलिए बुद्धि योग करनी चाहिए। ओम ज्ञानं प्रथमं मनस्तत्त्वाय सवितादियं अग्निर् ज्योतिरिचायाः। वेद भगवान ने कहा कि बुद्धि योग कीजिए पहले, फिर मानस योग कीजिए। मानस योग मतलब मानस जप कीजिए और मानस ध्यान कीजिए। मानस जप क्या है? यह आधार है, साधना का आधार है मानस जाप। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दिवसान कर, इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज जप करने के लिए कहते हैं, और हमारा वेद दर्शन भी बोलता है, उपनिषद भी बोलता है, गीता भी यही बात करती है। भगवान कृष्ण कहते हैं तस्मात सर्वेशु कालेशु बाबा दुष्मत युद्ध चाहे अर्जुन, हमेशा मेरा नाम का गुणगान करो, हमेशा कहते हैं। अब देखिए महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव एक दूसरे को मारने के लिए जानी दुश्मन है, खून का प्यासा है, प्यासे है। अब उस महाभारत के युद्ध में किसका बाण किसकी छाती को भेदन करके बाहर निकल जाएगा और उसका अंत हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी अर्जुन भगवान से प्रश्न करता है, गीता का आत्मा अध्ययन पढ़िए, अध्यात्म जिज्ञासा कर रहा है, क्या बोलता है। और एक ही बार में 8 प्रश्न पूछता है भगवान से, कोई पूछेगा किसी से एक सवाल पूछेगा। लेकिन अर्जुन भी सोचता है कि भगवान को कठिन प्रश्न पूछ करके फंसा देंगे, भगवान भी उत्तर न दे पाए। क्या बोलते हैं? किम तंद्रम किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्त अधिदेवम सिमुच्यते अधियज्ञ कथम कुत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयो गेयोऽसि यतात्मे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की संत भक्त के वर्तमान आचार्य का पदार्पण देखिए हो रहा है। आप लोग बड़े भागशाली और आचार्य श्री अस्वस्थ होने पर भी देखिए आ रहे हैं, है ना? ये सत्व का लक्षण होता है दग्रचित सर्वदा। जो आप लोग बैठ जाइए, अभी अभी पूज्य पाद अभी निवास पर जा रहे हैं, आप लोग शास्त्र से बैठ जाइए, अभी तब तक सुनिए, फिर उनका प्रवचन भी सुनिएगा। आप बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु, आप लोग बैठ जाइए। श्री सदगुरु महाराज की सत्संग औषधि है, दवा है। सत्संग क्या है? औषधि है, दवा है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं अमी ये पूरी चूरन चारू असमल सकल भवरुज परिवार। भवरुज परिवार का मतलब क्या हुआ? जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने वाली है सत्संग। सत्संग और भजन जो है जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने वाली है। हमारे गुरु महाराज ने संत मत का ज्ञान दिया बहुत सरल है, सरल सरल जन्मे पर जारी और सब सत्संग की बड़ी बढ़ियारी। चाहे गरीब हो तो भी भजन कर सकता है, अमीर हो तो भी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति हो, पुरुष हो, नारी हो, जितने मनुष्य धारी है प्रभु भक्ति कर सकते सभी। यही तो संत मत का ज्ञान है। हमारे स्वामी शुक्लानंद जी महाराज जी बता रहे थे हम लोग, यही संत मत का ज्ञान है। एक बहुत गरीब आदमी था, किसान था, वो दीक्षा ले लिया। अब बहुत गुरु महाराज को विश्वास था, भजन ध्यान करता था, सत्संग करता था। अगहन का महीना आया, धान काटने के लिए खेत में गया, ठीक है, धान काट रहा था और वहीं पर सत्संग की बड़ी बलियारी भी शुरू कर दिया। धान काटते काटते क्या हुआ, एक बिस्तर भिक्षु ने डंक मार दिया। जब डंक मारा तो बेचारा धान काटना छोड़ दिया, परेशान हो गया, डिस्टर्ब किया होगा, वो जमीन पर गिर गया। बेटा उठाता है, पिताजी क्या हुआ? कहते बिच्छू काट लिया। अब हाथ पर पटकने लगा तो बेटा ने कहा कि
देखो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ बुला के लाता हूँ। तो उसके पिताजी ने कहा नहीं बेटा देखो डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर पाएगा, तुम गुरु महाराज के पास चले जाना। गुरु महाराज? बोला हाँ गुरु महाराज के पास जाओ, उनको बता देना, वो दो दबा दे देना, ठीक हो जाओ। सदगुरु भय वचन विश्वास है, सदगुरु रूपी भय पर विश्वास करना चाहिए। चला गया, बतला दिया किस तरह से हमारे पिताजी को बिच्छू काट लिया है। गुरु महाराज के पास लोग गए, सरकार बिच्छू काट लेने से सरकार नहीं बचते। गुरु महाराज कहते बिच्छू काट लेने से नहीं बचते, अरे दवा लेने के लिए क्या आया हो, दवा तो मैं पहले दे दिया हो, खाते नहीं हो तो क्या करूं। तो गुरु महाराज से मामा लोगों ने पूछा क्या दवा दी है सरकार, तो मानस जब और मानस ध्यान करने के लिए नहीं बताया है, जाओ मानस जब करो ठीक कर हो जाएगा। चला गया पिताजी के पास, कार में कह दिया। बाप कहा कि बेटा गुरु महाराज दवा दिए? बोले पिताजी दवा तो पहले ही दे दिए थे, आप खाते नहीं है तो क्या करें। बोले क्या दिए थे? बोले मानस जब करने के लिए नहीं बोले थे गुरु जी, आप मानस ध्यान मानस कीजिए दिन साल कर, इनका प्रथम अभ्यास का संशुद्ध करना चाहिए। जब ये अब जब करना शुरू कर दिया, 5 मिनट जपा, उसके बाद दर्द समाप्त हो गया, विष उतर गया और उठ करके धान काटने लगा। देखिए अभी दूर में चूरन चारू असमन सकम भवरुज परिवार। अरे यही देवघर है, हमारे गुरु महाराज का जो ज्ञान है संत भक्त विज्ञान हमारा ठोस ज्ञान है। अभी तो एक देवी देवता को 33 करोड़ देवी देवता है ना, और 33 करोड़ देवी देवता कहाँ है, हमारे शरीर में, शरीर में उनका वास है। अभी हम भटक रहे हैं इधर उधर, जा रहे हैं इधर उधर, नहीं भटकना चाहिए इधर उधर, नहीं भटकना चाहिए। संत बता बिनु गति नहीं, सुनो सकल देकार, जो चाहो उद्धार को कहते बनो संत संतान। यही गुरुजनों के चरणों में नमन करता हूँ और आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपने वाले को विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।